मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले। क्या फजूल है, बैठे और आप मेरी बीवी को ऐसे हाथ ना लगाएं। अब क्यों ना हाथ लगाओ, तुम कौन हो? बेटी को आप क्यों हाथ लगाएं? मेरी बेटी है वो। बेटी बाद में, आप आपकी बात में चल उठ चले, आजा शादी मैं कर लूं। बात करो, सारी जिंदगी गुजर गई है तो हम तुझे आके तो फटाफट तू कह रहे जी अंजना ब्याह कर देना कादे वास्ते। अब मेरी बात सुन, एक सेकंड रुक, एक सेकंड रुक मेरी बात सुन। अब मेरी बात तो सुन लो ना, और आज के बाद मेरी बात सुन लो, तेरा कान खोल के इधर देखो मेरी तरफ। हाँ जी, आज के बाद हमारे घर में ना ये दूसरी शादी वाली बात नहीं चलेगी, समझ आ रही है ना? मैं अगर एक मिनट नए बच्चे पैदा होंगे उनकी हम तरबियत अच्छी करेंगे। तो मेरी जिंदगी साफ करती है अल्लाह की कसम, मेरी जिंदगी अच्छी बनी चल रही थी, मेरी जिंदगी में आकर ना मेरा सारा मेरा काम खराब कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, तो भाई क्या हाल चाल है आपका? ठीक है, खैरियत से? सबसे पहले करें चैनल को सब्सक्राइब, 100 के करवा दो। पिल्ला स्टोरी आएगी, मरियम बताएगी कि मरियम ने किसने अपने हाथों पे खंजर मारे थी। ठीक है, अच्छा तो आज हम क्या करने लगे हैं? अभी हम सो के उठे हैं, हमने अपनी पेट पूजा कर ली है, इनकी अम्मा गई हुई है बाजार, आने वाली होंगी, आज उनके साथ क्या करें? कल ना परसों जब भी मरियम पे प्रैंक हुआ था ना, बहुत खुश हो रही थी, हंसती कहती और आइडियाज वही देती है। और क्या कह रही थी? कहती कोई नहीं, सुल्तान ने अगर दूसरी शादी कर ली तो क्या हो गया, कोई बात नहीं। तो मरियम की एक दोस्त है जिसकी क्लास फेलो थी, सलाम दुआ वाली थी, तो इसकी अम्मा ना उससे बहुत चालू है, तो उसकी वालदा ना बेवा है, तो आज इंशाल्लाह जो है ना इसके वालिद का उसकी वालदा से हम टाका फिक्स करवाएंगे, निकाह करवाएंगे, रिश्ता लेके जा रहे हैं। मामा जी भाई थी ना, हम दोनों जा रहे हैं ब्लॉग बनाने। हाँ, हम दोनों भी ब्लॉग बनाने जा रहे हैं, हम दोनों जा ही वहां पे रहे हैं। ठीक है, हम लोग जा ही वहां पे रहे हैं, तो इंतजार करते हैं जब वो बाजार से आ जाए। बहुत गर्मी है, ऐसी गर्मी है बहुत शदीद, तो ये मास्क तो उतार देता कि आपको सांस आए। अब्दुल रहमान कहाँ पे है? अब्दुल रहमान यही है, चार है, निकला जरा किसी काम से भी, ये गर्मी में चला गया, ये आ रहा है बस यही करूँ। तो हम लोग भी जा रहे हैं ना? हाँ हम लोग भी बाइक जा रहे हैं, सरप्राइज है ना? जैसे बात तो गर्मी बहुत है, बाहर अभी लग रहा है ना, तो काम जरूरी है ना, पानी पिलाऊं? पानी पिला दे, अच्छा ही बेटा, बहुत गर्मी है, चल फिर उठ चले। बता दी अम्मा को, बताया तुमने कि नहीं? नहीं, अब्बा से तो हो गई सारी बात, पहले डन होने को, पहले अब्बा से तो हो गई ना सारी डन बात। कहाँ जाना है? वो मायरा का पता है आपको? मायरा जो इसी दोस्त होती थी एकेडमी में, सलाम दुआ वाली, जिसे आप बहुत चालू थी, वो एक दफा घर पर भी आई थी, याद करो जब आपने कहा था कि इसके साथ नहीं खेलना। हां हां बिल्कुल ऐसे ही, क्यों क्या हुआ बता दे तू फिर खुद ही। उसके अब्बू फोटो हो गए थे पहले ही, शादी होनी है, उसकी शादी होनी है। अच्छा, तो अब वो अपने अपने अपनी के लिए रिश्ता मिल गया, बेवा उसकी माँ, तो उसकी माँ बेवा उस बच्ची, उसकी माँ माँ तो उसकी जगह एज में होगी, तो उसकी शादी अकेली रह जाएगी फिर पीछे। सपोर्ट चाहिए ना, इसका सपोर्ट तो चाहिए ना। तो आप लोग, आप लोग जा रहे हो, आपका क्या ताल्लुक? हमने अब्बा से बात ही की थी, अब्बा तो बहुत पक्के हुए, मैं यकीन करें पापा कह रहे हैं कि उसको अलग कमरे में रखेंगे, एक सपोर्ट कर देंगे। अपने शोर से पूछ के आए जाए, पहले जाए उन्होंने कहा, उन्होंने कहा तुम दोनों नजर मारो, जो है आपके घर में किसका फैसला होता है आखिरी, आप लोग खुद ही कहते हो ना। नहीं बेटा, मुझे ना पता क्या बात है, मजाक में बिल्कुल, हमने इस तरह का मजाक करना ही, आप इस तरह का मजाक कर रहे हैं, मजाक आपको लग रहा है मजाक कर रहे हैं? हम मजाक नहीं कर रहे, एक औरत है बेबा है, उसका सहारा बनने की कोशिश कर रहे हैं, ना बने नहीं कहना तुम्हारी दुनिया तुम्हारा बात ही रह गया पूरी दुनिया में, हमारी नजर में और कोई आदमी है ही नहीं, हम किसी और की गारंटी दे सकते हैं? मुझे बताओ, आपसे मीटिंग थी वो तो चलो, नहीं मैं तो इस चीज को प्रमोट करता हूँ ना, इस चीज को, हाँ मैं तो इस चीज कल्चर को प्रमोट करता हूँ, नहीं आदमी रहो तुम, अच्छा तो गलत बात थोड़ी है मरियम, अब बात आती रहो तुम, अच्छा ठीक है। हाँ। तो ये पता है मैं चीज को प्रमोट करता हूँ, और जिस तरह अगर ये कोई नए काम करने लगे तो मैं उसको भरपूर साथ देता हूँ, इंशाल्लाह कलीमे का खाना ना अब्बा को मित्र से तोपा। अरे ये देख कैसे बोल रही है, इनका मेरा तो कोई ताल्लुक ही नहीं है, एक दफा मुझे बता दें अब्बा ने कितनी दफा अपने मुंह से कहा दूसरी शादी का, आप खुद बता दो। वो तो उनका मेरा बीवी से इतनी मजाक है, वो हमारे सामने कहा ना, वो ये था कि आपके जेन से निकाल रहे थे आपको, आपको पुख्ता कर रहे थे, इस तरह मैं मरियम को करता, इस तरह वो पापा ने कहा ठीक है मैं रहूंगा तेरी माँ के साथ ही, तस्वीर दिखाई पापा को, हाँ संदा Thank you.
पसंद आ गई है। हाँ सच्ची में आप आज आ गए पापा को क्या हुआ पसंद आ गई हम तो आ गई और आपने दिखा भी दिया वैसे ही क्या क्या खबर बातें कर रहे इस तरह की बातें ना करो अच्छा अगर मजाक नहीं कर रहे इसलिए मुझे कहा था उसकी दुआएं लग जाए वो इंतहाई शार्प औरत है वो तुम्हारे घर को ना ऐसे कुछ का कुछ कर देगी कोई बात नहीं आप है ना उनको देखा मैं उनको मिली हुई वो तुम सो पहुंच भी नहीं सकते लेकिन अब्बा को तो पसंद आ गया क्या कर अब्बा को क्यों दिखाई दिया घर वाली होनी चाहिए बाहर वाली होनी चाहिए लेकिन दोनों जो है ना हलाल रिश्ते होने चाहिए मैं तो कोई फजूल बात नहीं कर रहा इससे पूछे नहीं ये तो कोई तरीका नहीं आप लोग ये ना कोई बात है इस तरह आप लोग कौन होते हो हमारे मामले में बोलने वाले भाई आपके मामले में थोड़ी बोल रहा हूँ तो अब्बा के मामले में बोल रहे हैं सेपरेट मामला अल्लाह ने उनको आजादी दी आप कौन होती है रोकने वाली मैं रोकने वाली होती हूँ ना जब वो चाहते शोहर है वो नहीं चाहते ये तो जाहिर बात है कि आप उनको दोगे फटाफट के जी ये देखें ये देखेंगे मछली तो आगे उनके दिल में है तो उनके दिल से निकला ना दिल में कभी भी नहीं था ये आप लोग ही बातें कर करके ना बेटा असल में सुल्तान पता क्या बात है ये तूने ही बातें कर करके ना दिल में डाला ये वैसी कर रही है ये खुद भी अंदर से चाहती है क्योंकि ये काम कर करके थक गई है मुझे देखिए ना काम माशाल्लाह रानी बाजी आती है अल्हम्दुलिल्लाह कोई टेंशन वाली बात नहीं काम कोई मसला तो आप उन्हें भी रानी बाजी समझ लेना वो रानी बाजी नहीं ना वो महारानी बाजी बन के बैठ जाएगी हमारे सरों पे साधन हो गया था तुम लोग क्या बातें कर रही हो फॉरवर्ड कर दिया व्हाट्सएप में पड़ी हुई देख ले आप भी जाके देख ले सदके जा रही है वाला काम है मरियम तुम क्या अरे अपने मामा के साथ मैं बाजी बदल लिया साला मरियम क्या हो गया यार अब तो शादी तू भी मुकर गई तू अपने अब्बा के खिलाफ जाएगी तू अपने आप ना ये काम ना करें आप ना इस चीज से निकल जाओ और आज के बाद मेरी बात सुन लो जरा कान खोल के इधर देखो मेरी तरफ हाँ जी आज के बाद मैं दूसरी शादी वाली बात नहीं चले समझ आ रही है मैं ठीक है मरियम ये देख ले ये अल्लाह ताला के नेक कामों के अंदर खलल डाल देंगे और भी है इधर आओ आपकी छोटी अम्मी आ रही है इधर आओ बात सुनो बहुत भी देख रहे हैं क्या बातें कर छोटी अम्मी नहीं तेरे बाप का पापा का रिश्ता देखते फिर रहे भाई सही है ना अच्छी बात है शाबाश ये तो सारे ये सारे आपके हराम होते हैं ना जो बच्चे बड़े होके वो इस तरह ही करते हैं चलो चले करेगी करेगी डन हो गया समझे आप क्या फजूल होते करे बैठे आराम से आप मेरी बीवी पैसे हाथ ना लगाए अब क्यों ना हाथ लगाओ तुम कौन होते हो क्यों हाथ लगा मेरी बेटी है वो बेटी बाद में आप चल उठ चले आजा आराम से ना उधर आप आपने अपने अब्बा के खून का जो है ना कर्जा था करना उनका नमक खून है भाई उनका खून उनका खून नहीं है इनका नमक तो लाल गले बाप का इतना शर्म नहीं आती तुम्हें क्या होता जा रहा मैंने क्या किया है अभी आपके बच्चे खुशी कर रहे थे इस तरफ आ गए आपके बच्चे आपके शोर की ख्वाहिश है मेरे किसी की ख्वाहिश नहीं वो ऐसे है ही नहीं मैं कह रही हूँ आप उनसे जाके पता तो कर ले पहले मरियम अब्बा है अब्बा तेरे सामने अब्बा ने हमी भरी है हमी भरी है वो तुमने जरूर किया होगा सारा कसूर तुम्हारा है सारा कसूर तुम्हारा है बात तो सही है तुम एक नया दौर लेके आ रहे हो दूसरा निकाह दूसरी शादी अच्छी बात है ना फैमिली बढ़ेगी बात ना करो फैमिली बढ़ेगी और क्या बात होगी सारे मिलजुल रहेंगे और फैमिली बढ़ाएंगे फोन करो बिल्कुल आराम से आपकी नए बच्चों की जान छूट जाएगी अब्दुल मानो से ये उधर रह लेंगे आप हमारे साथ रह लेना एक मिनट नए बच्चे पैदा होंगे उनकी तबीयत अच्छी करेंगे हाँ इस तरह है ना तो सही है ना शादी होगी तो बच्चे भी होंगे जाहिर बात है मैंने कहा उनकी तबीयत अच्छी करेंगे ताकि इस तरह के ना हो अभी आप अब्दुल रहमान और ये बाबू जो है कितने आप लोगों को जरा कोई ख्याल नहीं है कितना लोगों का ख्याल करती हूँ कितना लोगों का एहसास करती हूँ हम लोग दूसरा करने पहुंचे हुए बाप का अब इस उम्र में 50 साल की उम्र में जाकर उनका तो दूसरी शादी करने का छोड़ ठीक है हमारे रिश्ता देखने जा रहे हैं हम सिर्फ देख के उनको हम पता क्यों जा रहे हैं अच्छी चाय पीने बस आप ये समझ लेना अच्छी चाय ना पिए सुल्तान आराम से ना इधर झुक के बैठ जाओ हमारे रिश्तेदार को बड़ी अच्छी चाय मिलती है हमारे ये हमारे मियां बीवी के मामले में आने की जरूरत नहीं है तुम सिर्फ अपनी बीवी तक ही रहो तुम मेरे तक ही रहो बस मैं तो तेरे अब्बा के बारे में अच्छा सोच रहा हूँ और अम्मा के बारे में अच्छा सुना सोचो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी बेटा और ये बुरी बात है आप इस तरह किसी मामले में नहीं इंटरफेयर कर सकते हो
सारी जिंदगी गुजर गई है तो हम तू ले आके तो फटाफट तू कह रहा जी दूसरा विवाह कर देना कादे वास्ते। ये आप लोगों के लिए कर रहा हूं मैं तो, और नेक काम है बेटा, तू ना कर, हमारी तरफ ना कर, तेरी बड़ी मेहरबानी है, अब एहसान कर हमारी इस बारे में ना बोल, इस तरह बुरी बात है। ये अपने शोर को नहीं समझा दी उल्टा हमें गई, वो कह रहे हैं कि मेरी अपनी हद में रहो, खुद ही बता, वो खुद कह रहे हैं कि मेरी पीछे की वजह में बोतल लगनी चाहिए थी। नहीं यार इसमें मेरी क्या गलती है यार, होता कौन है हमारे मामले में बोलने वाला, इसको तुम क्यों नहीं मना कर रहे? क्यों कहा कि निकाह पे मेरी वो बनाओ, क्या कहते हैं सिंपली निकाह पे मेरी प्रोफाइल बनाओ, कोई उन्होंने नहीं कहा भाई, भाई अल्लाह की कसम उन्होंने कहा नहीं, इस ये होता कौन है ये हमारी बारे में बात करने वाला, मेरा मेरे शोर के बारे में, बेटा बेटा है तू मेरा, मैंने कब कहा कि बटा नहीं है, लेकिन बाहू तेरा मैं उनकी ऐसी पटाई करूँ याद करें तो ऐना पुत्र कि तू मेरे हथिया चढ़ जाए, मैं तेनू लावा फिर आज चंगी तरह, इस पर सुकून से आराम से बैठे रहो, हमारे मामले में ना बोलो, ये साथ वाला कमरा कर लेंगे खाली होता है, मशवरा ना दो बेटा हमें इस मामले में, अब्बा यहाँ से निकलेंगे साथ में, दूसरी बेगम के कमरे में, वहां से निकलेंगे पहली बेगम के कमरे में, वहां पे कोई भी नहीं होता ना, हम जिसको मना करो इसे का मुझे ना उनको अब अपने उनको जुबान की पे जाके देख आते हैं, बाद में देखेंगे मना करना क्या करना है, ठीक है ना, चलो चल, मना नहीं करना, जाना ही नहीं, इस तरफ बात खत्म होगी, चाय पीने जा रहे हैं आप, चाय पीने जा रहे हैं, चाय के भूखे हो, मैं तुम्हें चाय भी बना, इज्जत बेइज्जती का सवाल है, इज्जत कोई इज्जत बेइज्जती का सवाल, हर जगह इज्जत बेइज्जती का सवाल आ जाता है, तो हकीकत बात है ना, उनको कहा है, उनको कहा है, सिर्फ देख के नहीं जाना, मायरा से दूसरी शादी मैं कर लूं, देख तू अब, देख तू अब, तू गया बेटा, अब तू गया, देखते बात में रहो, प्रैंक के चक्कर में ना अपनी बकवास, मैं वैसे ही कह रहा हूँ, अगर अम्मा, अगर अम्मा नहीं चाहेंगे, अगर अम्मा नहीं करने देंगे तो मेरी तो होने दो, अगर अम्मा पकड़े जाना इसके हाथ, अब जुबान तो दे दीजिए, अब मेरी बात सुनो, एक सेकंड रुक जाना, मेरी बात सुन लो, अब मेरी बात तो सुन लो ना, अब उनको जुबान तो दे दी हुई है, अब अगर नहीं होगी तो मैं कर लेता हूँ, फिर मैं कर लेता हूँ, कुर्बानी दे दी, आप तो अगर प्रैंक कर रहे थे, तुम अपनी हद में रहो, पास ना करो, शट अप, इसने कहा था आपको नहीं पता था कि उसने इतनी गर्मी में सब्जी लेके आई हूँ, तभी करना था, तभी करना था ताकि आप पहले आए, पर तुम अपनी हद में रहो, तुम तो क्योंकि वो ही वगैरह क्या सीन है, वाह क्या सीन है, मेरी बात सुन ले, अब जुबान की भी कुछ तो करना पड़ेगा, मैं तुम्हारे दांतों से काट दूंगी तुम्हारी उंगली, सॉरी सॉरी मेरे से गलती हो, मेरे से गलती हो, और कोई बात मैं निकाल दे दो साफ है डस्टबिन, उसके अंदर बोल रहा हूँ फेंकते मैंने क्या कहा, अब अम्मा ने मुझे कहा कि कुर्बानी दे दे, अच्छा भाई ये ब्लैक अम्मा के साथ हो रहा था, वो मेरे साथ गया, अब उनकी एक बेटी तो मैं क्या करूं, अच्छा अच्छा मरीम बहुत सोच की लगती है, अल्लाह की तरफ लगती है, भाई मैंने कौन सी गलत बात की है, अच्छा मैं मजाक कर रहा था, मजाक नहीं था ये, मजाक था, मैं अम्मा तरफ करी नहीं, अब्बा कुछ कह रहे थे कि अब्बा की बात ही तुम मेरे भी तुमने अपनी बात की, मैं कहा फिर मैं कर लेता हूँ, तुमने अपनी बात की, मैं चेक कर रहा था कि तू उनको कैसे कह सकती है, तू खुद बता, मैंने तो अच्छा राजमतो की दुकान होती है, कोई ऐसी बात है नहीं, जब मजाक कर रहे थे तुम, मैं भी मजाक ही कर रहा हूँ, मजाक नहीं है, हमसे भी समझाना है ना, मैं आपको बताऊंगी बेटा, मैं उससे कर लेता हूँ, करके देख लो, लग जाएगा बता, मैं सच्ची में मेरे से गलती हो गई, मैं मजाक कर रहा था, तो ठीक है जा रहा हूँ, तो आपको कैसा लगा प्रैंक, बहुत बुरा, तो मिलके इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अब्बा की भी शादी करें और खुद भी करें, तुम कर लोगे क्योंकि इनमें सब क्या हो गया मरियम, इतनी सी बात है, तुमने गलत बात की शुरू की, चुप हो जाओ।
चुप हो जा। तुमने शुरू की, मैंने तो अम्मा को तो पाने के लिए करी थी। कैमरा बंद करके आओ। मुझे क्या पता लगा? कैमरे ने तो मेरी जिंदगी ही साफ कर दी है अल्लाह की कसम। मेरी जिंदगी अच्छी भली चल रही थी, मेरी जिंदगी में आकर ना मेरा सारा मेरा काम खराब कर दिया। ऐसी थी नहीं तुम। उसको रोक नहीं मुझे आज बिल्कुल भी नहीं रोकूंगी। अब जब दो तीन और लगा ये प्रैंक आपके ऊपर करना था, देखें मेरे से उल्टा लट पड़े। इसीलिए बेटा जब मना की तेरा दिल दुखाता ना, फिर इतने आ गया। बात तो सही है, दौड़ा बंद करो। मैं कैमरा चलो तोड़ दूंगी, मेरा कैमरा मैन। अच्छा तोड़ दूंगी। अम्मा हमें प्रैंक कर रहे थे हम। उठो, आपस में लड़ पड़े। आपस में लड़ पड़े, तुमने बात किस तरह की वो वाली? मैंने तो अम्मा को तपाने के लिए की थी कि अम्मा तपेंगी। इस बात पे कैसे तपेंगी? तपेंगी क्यों, तुम उनकी बेटी नहीं है। तपूंगी तो मैं। वो तो तपी नहीं होते, वो कितना खुश है। तो मेरा शूट होगा। वो देख अम्मा हंस रही है, तालियां भी जा रही है। बहुत तेज हो रहा है। अच्छा खत्म हो गई। अच्छा मेरे से गलती होगी, मेरी तुम्हारी मेरे से गलती होगी। अच्छा मैंने तो अम्मा को तपाने के लिए बात की। मैंने अम्मा को तपाने के लिए अल्लाह की कसम बात की थी। मैं कहा अम्मा तब देगी इस बात। कैमरा बंद करोगे तुम? मुझे क्या पता तू चीज बंद कर दो। चलो मन करो। अच्छा अम्मा, अम्मा को तो तेरे बुलाना। पूछ अम्मा से, अम्मा को कैसा लगा? अब आपने देखा ना मुझे कैसा लगता है जब आप उसका दूसरी शादी में साथ देती हैं। दूसरी शादी में साथ क्या देती? दूसरी बीवी है मेरी। बदला लिया ना, असल तभी तैयार हुए होगी। मम्मा इसका मुंह ही चुपेड़े खाने वाला है। ये ना एक अजीब सी चीज है, बेलचे किस्म की बेलचा है ये। मैंने क्या कह दिया तुम्हें? अम्मा के ऊपर प्रैंक हो रहा था, तू उल्टा ऊपर इस तरफ को ले आई। ये देखें ऐसे, ये तो इसलिए अल्लाह पाक ने इनको इजाजत नहीं दी भी बहुत सी जगहों पे, क्योंकि इनमें सब्र तहमुल नहीं है। सब्र तहमुल है तो करके तो देखो, फिर तुम्हें मैं बताऊंगी नितारे ये होता है। इंशाल्लाह जल्द आएगी। इंशाल्लाह जल्द, फिर बहुत कुछ भी होगा। चलो अपना अलग से यूट्यूब चैनल खोलो कि कहीं और ही। मैंने तो अब्बा की बात कर दिया। मैं ऐसी बातें करना शुरू कर दूं? अम्मा के वो कर रहे थे। जाके कैमरा बंद करो, मेरा दिमाग ना खराब हो गया बहुत ज्यादा। अच्छा मैसेज तो दे दे कोई। कैमरा बंद करके जो जो दूसरी शादी करना चाहता है वो देख ले, ऐसा हाल होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने दो कर ली है, तीसरे की ख्वाहिश फिलहाल नहीं रखी। शादी करना चाहता है देख ले, उसका ये हशर होगा। तू पागल क्यों हो जाती है? मैं वैसे ही बता रही हूँ। मैंने क्या कह दिया तुझे? मैं तो अम्मा पे प्रैंक कर रहे थे। अम्मा पे प्रैंक बंद रखा करो, जिस पे भी करो। अम्मा पे हो रहा था तू, हो गया प्रैंक। अम्मा को गुस्सा हो गया, अम्मा को गुस्सा चढ़ाना था, हो गया प्रैंक। अम्मा के साथ तो कुछ भी नहीं बोलता, हमारा झगड़ा हो गया, हो गया प्रैंक, हो गया। ये अम्मा हमारी लड़ाइयां कर रही है। तुमने गलत बात की, कैसे हंस रही है? मैं कर लेता हूँ। कैसे हंस रही है? तुमने नाम भी नहीं। नहीं नहीं मरी, गिर गया सारा लोशन, गिर जा लोशन, लोशन की पड़ी गई। तुम्हें अपनी जान बचा लो, चले जाओ ऑफिस। ठीक है मैं जा रहा हूँ। जाओ, मैं जा रहा हूँ। जा बैठ जा, चलो पानी पिलाओ। जाओ मैंने इसको क्या कह दिया? मैंने इसको बिल्कुल नहीं कहा। बहुत मासूम हो बेटा, बहुत मासूम। कुछ नहीं कहते, इसने आपके ऊपर प्रैंक करना था। समझे? देखो जब माँ के साथ ऐसे करोगे तो आपके साथ ऐसे ही होगा। एक ही एंट्री है ये, देखो ये आपकी एंट्री तोड़वाएगा। ये तुम्हारी तोड़ मेरी नहीं, अम्मा की है। क्या है? आई लव यू। क्या तू रात को आ? तू आ? आई लव यू। आई लव यू नहीं है, मेरा ये मजाक नहीं है, मैं बता रही हूँ। मेरे तो अम्मा के ऊपर मजाक कर रहे थे। वाकई सीरियस हूँ। मार खा रही हूँ। प्रैंक है अपनी जगह।